लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो मैंने पूछा एक स्टूडेंट से कैसे किया, उसने कहा फोर्थ चैप्टर में करवाया था, एफ इज इक्वल टू क्या, डी पी बाई डी टी। इफ नो फोर्स एक्सटर्नल इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम तो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज अ कॉन्स्टेंट, ऐसा हमने किया था। तभी तो वो एग्जाम्पल्स आए थे, गोली चल गई, बुलेट पीछे, बुलेट चली, गन पीछे आ गई, बोट पे मैन चला, बोट पीछे आ गई, बॉम्ब का फटना, कोलिजन होना, ये सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के एग्जाम्पल्स थे। पर क्योंकि हमने वो किया हुआ है तो फिर से करने का क्या मतलब है? देखो मैं बताता हूँ क्या मतलब है। सपोज करो एक सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जैसे आप सब लोग हो, आप सब m1 m2 m3 पार्टिकल्स हो, तो आप सब मूव कर रहे हो ग्राउंड में, m1 v1, ये m2 v2, ये m3 v3, ये m4 v4, m5 v करते जा रहे हो, और ऐसे मान लो 2,000-2,500 लोग हैं, शायद ज़्यादा ही होंगे, तो ये सब मूव करते जा रहे हैं। और किसी ने पूछा सर इनका सेंटर ऑफ मास, मैं कहा भाई इमेजिनरी है हवा में, तो उसने कहा वो मूव करेगा, हाँ बिल्कुल मूव, जब भीड़ मूव करेगी तो मास मूव करेगा, तो सेंटर ऑफ मास भी साथ साथ ही मूव करेगा, सही है। तो किसी ने कहा एक काम कर दो सर, इनके ऊपर ना फोर्स निकाल दो आप। तो मैंने कहा फोर्स निकाल देते हैं, अगर मैं पुराना कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा फोर्स का तो मैं क्या करूँगा, पहले पार्टिकल की फोर्स निकालूंगा डी बाई डी टी ऑफ m1 v1, दूसरा निकालूंगा डी बाई डी टी ऑफ m2 v2, डी बाई डी टी ऑफ m3 v3, करता जाऊंगा जब तक n नंबर ऑफ पार्टिकल, और सबका वेक्टर सम लूंगा, नेट फोर्स आएगी। अब किसी ने कहा कि 2,00,000 पार्टिकल है, जिंदगी निकल जाएगी, फोर्स कैलकुलेट नहीं होगी, ऐसे ही है। तो किसने क्या सोल्यूशन दिया, ऐसा करते क्यों, आप ये बताओ कि पूरी क्लास का या पूरे जितने भी लोग हैं उनका टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3 m, और वो मास कहाँ पड़ा होगा, सेंटर ऑफ मास पे, चाहे इमेजिनरी है, और क्योंकि सब मूव कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ v, सेंटर ऑफ मास। तो वो कहता है काम करो, इनस्टेड ऑफ फाइंडिंग टोटल फोर्स बाय दिस मेथड, रहने दो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम आएगा, और इजी मेथड है ना, कुछ भी तो नहीं करना, आपको टोटल मास और टोटल सीधा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से एक स्टेप में आंसर आएगा। तो ये टॉपिक ये बता रहा है कि दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। फिर ये बता रहा है कि मास कॉन्स्टेंट आ गया, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो इसका मतलब कि वी की वैल्यू या तो जीरो होगी या फिर v वेक्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आता है, या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो पे होगा या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, पॉइंट समझ में आता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ये कहता है कि अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो या तो वो बॉडी की वेलोसिटी जीरो रहेगी, या फिर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती जाएगी। ठीक है यहां तक, ये तो होगी थ्योरी, अब आ जाओ प्रैक्टिकल, कि थ्योरी फिजिक्स में अलग है इन चीजों की और प्रैक्टिकल एग्जांपल टोटल डिफरेंट है। ये आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, इसका एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल मान लो आपके पास एक बॉम्ब है, ये इतना बड़ा बॉम्ब पड़ा था यहां पे, और बॉम्ब दो टुकड़ों में फट गया, एक m1 v1 यहां गया तो m2 v2 पक्का इसके ऑपोजिट ही जाएगा। हमने किया था ये, ऐसा क्यों हुआ, ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम में स्टडी किया हुआ है, ताकि नेट मोमेंटम क्या रहे, जीरो था जीरो रहे, ऐसा हमने किया। तो किसी ने कहा कि चलो ठीक है सर, ये बॉम्ब है अभी फटा नहीं है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, बॉम्ब के सेंटर पे है, तो मैंने कहा देख बॉम्ब के अंदर पड़ा हुआ है, बॉम्ब फट गया, दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, तो उसने कहा अब सेंटर ऑफ मास कहां पर है, मैंने कहा देख यहीं पड़ा है, उसने कहा सर बॉम्ब कहां पर है, बॉम्ब तो उड़ गया, तो मैंने कहा फिर भी यहीं पर पड़ा हुआ है जहां पर वो पहले था, ये अजीब है सुनने में, ऐसे कैसे, यहां तो वो दिख भी नहीं रहा पर फिर भी वो यहीं पर पड़ा हुआ है, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि अगर सेंटर ऑफ मास बिना एक्सप्लोजन के, बिना फटने के, क्योंकि बॉम्ब का एक्सप्लोड होना फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ये हमें मालूम है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो थ्योरी क्या कहती है, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है फटने से पहले, फटने के बाद भी किस पे रहेगा, वहीं पड़ा रहेगा और रेस्ट पे ही पड़ा रहेगा। अब इसको मैथमेटिकली 2 मिनट समझाता हूँ कैसे किया इसने। मुझे एक बात बताओ,
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एम वन वी वन एम टू वी टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, यही फॉर्मूला है ना। और ये तो वेक्टर लगा हुआ है, अगर मैं वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे एम वन वी वन प्लस माइनस एम टू वी टू, याद है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बिकॉज एक की डायरेक्शन क्या होती है ऑपोजिट, ऐसे ही करते हो। और जब बम फटता है तो एम वन वी वन का मैग्नीट्यूड एम टू वी टू के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, तो ये टर्म्स आपस में क्या हो गई कैंसल, तो नेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा जीरो। तो आपके सामने ये मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि अगर आपका बॉम्ब नहीं फटता तो वह है ही रेस्ट पे, अगर वो फट जाता है एम वन वी वन एम टू वी टू के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, दोनों वेक्टर्स आपस में कैंसिल कर जाते हैं और नेट वेलोसिटी फिर से क्या आ जाती है जीरो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो यानी कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरा और इसका मास सेम है, हमारा सेंटर मास कहाँ पर होगा सेंटर पे। अगर ये 10 मीटर पीछे जाता है और मैं भी 10 मीटर पीछे जाता हूं तो वो भी सेंटर मास कहां पर होगा सेंटर पे, वहीं पड़ा रहेगा जहां पर ये पहले था। तो अगर हम सिमेट्रिकली बाहर जा रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो ऐसी अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें तो अगर m1 v1 m2 v2 के ऑपोजिट है, सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे था तो मैंने मैथमेटिकली प्रूव किया सेंटर ऑफ मास बाद में भी किस पे पड़ा रहेगा एट रेस्ट पे पड़ा रहेगा। तो इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को, तो रूल नंबर वन क्लियर, ये नहीं हिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे सपोज करो आपके पास एक दिवाली का रॉकेट है, बॉटल में डाला, बॉटल टेढ़ी थी और प्रोजेक्टाइल की तरह गया। कैसे? ये आपका रॉकेट है, ये ऐसे गया, चला तो गया, वो आग बुझ गई, फटाई नहीं, सीधा रॉकेट गया थोड़ा सा और सामने बंदा खड़ा था उसने कैच कर लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन तो होना ही है उसका, सही है यहाँ तक। किसी ने पूछा सर रॉकेट तो फटा नहीं, तो भाई इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो मैंने कहा देख सेंटर ऑफ मास तो रॉकेट के अंदर ही है, तो सेंटर ऑफ मास ने क्या पाथ फॉलो किया, अगर वो नहीं एक्सप्लोड होता नहीं फटता प्रोजेक्टाइल मोशन, ये उसका पाथ था, मान तो ये चीज। पॉइंट नंबर वन क्लियर। सपोज करो ये रॉकेट हवा में कहीं फट गया, फट गया, अगर ये रॉकेट फट गया तो इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो जब इसके टुकड़े टुकड़े हुए तो उस केस में इसकी जो पीसीज हैं ये कैसे गिरेंगे, ये इमेजिन करो, ये ऐसे गिरेंगे, आगे की तरफ गिरेंगे सारे के सारे, कुछ इस तरीके से जाएंगे, ऐसे पीछे नहीं जाएंगे आगे की तरफ गिरते हैं, तो रॉकेट ऐसे फटेगा कि आगे की तरफ इसके, अगर आपने कोई वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देखा हो कोई मिसाइल फेंक रहा है कोई कंट्री दूसरे के ऊपर, तो उसके ऊपर जब हेलीकॉप्टर रॉकेट से फेंकते हैं तो मिसाइल के जो पीसेज हैं वो आगे की तरफ चिंगारियां जाती हैं एक तरफ, ऐसे दिवाली की तरह वो शॉर्ट्स की तरफ फटते नहीं है, वो फूल बनता है फ्लावर बनता है, ऐसा नहीं होता, आगे की तरफ गिरते हैं सारे, राइट, क्योंकि मेन मिसाइल आगे जा रही होती है, सारे टुकड़े भी सारे आगे गिरेंगे, राइट। तो किसी ने कहा सर सेंटर ऑफ मास कहाँ गया इसका, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली वही रास्ता फॉलो करेगा जो वो बिना फटे करता था। अब कहोगे सर यहां गिरा तो कुछ ना, तो ना गिरे, तो ना गिरे, सेंटर ऑफ मास वही रास्ता फॉलो करेगा जो वो बिना फटे करता था, चाहे टुकड़े टुकड़े आगे गिर गए। आपको कि वो कैसे, क्योंकि रॉकेट का फटना फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विच स्टेट्स दैट कि अगर नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम और अगर वी वेक्टर कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, अगर जीरो था बॉम्ब वाले केस में तो जीरो ही रहा, और अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, ना अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा ना अपनी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी चेंज करेगा। तो ये याद रखना कि चाहे वो फट भी जाएगा रॉकेट तो भी पाथ वही फॉलो करेगा जो ओरिजिनल रॉकेट ने करना था। आपको क्या कैसे मैथमेटिकली अगर करना है तो आप इमेजिन करो इस पार्टिकल का मास m1 v1 m2 वेलोसिटी v2 m3 v3 m4 v4 m5 v5, जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालोगे ना m1 v1 m2 v2 m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तो वो यही रास्ता शो करेगा और वही वेलोसिटी शो करेगा जो रॉकेट बिना फटे करता था। तो मैं मैथमेटिकली प्रूव तो नहीं कर सकता इसमें, पर थ्योरेटिकली बता सकता हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम रॉकेट में ऐसा लगता है। तो आज की बात अगर वो पूछ ले कि एक रॉकेट गया हवा में पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा था, उसके 10 पीस हो गए 15 पीस हो गए, बोलो सेंटर ऑफ मास कहाँ गया, आपने बोला भैया पैराबोला ही जाएगा चाहे वहां एक्चुअल में कुछ भी ना जाए। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट इसमें? अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसका, ठीक, और एग्जांपल से समझ में आएगा।
इसमें डाउट पूछो। देखो 10 पार्टिक, ये रॉकेट है, रॉकेट जा रहा है, पैराबोलिक फट गया, ये मेरा हाथ फिंगर्स नहीं है, ये पीसीज हैं, सेंटर ऑफ मास ऐसे, तो पार्टिकल ऐसे गिर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास अंदर इमेजिनरी ये रहा, ऐसे है, ऐसे गिरेंगे, कर रहे हो इमेजिन ऐसे है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, दिवाली आने वाली है, फिर एक एग्जांपल लेते हैं। आपने एक दिवाली का शॉट चलाया बड़े वाला, वो ऊपर जाके पूरा फूल बनता है, तो जब वो ऊपर जाके फटता है ना, तो वो ऐसे नहीं फटता कि सारे पार्टिकल, सारी जो हवा में पार्टिकल्स हैं वो सारे इधर गिर गए, इधर कोई नहीं गिरा, पूरा फ्लावर बनता है, मतलब इधर भी गिरते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और हर तरफ पीसीस गिरते हैं या हर तरफ चिंगारियां देखने को मिलती हैं, ऐसा ही होता है। इमेजिन करो आपने शॉट चलाया, शॉट उड़ गया, आग बुझ गई, शॉट कहाँ गया, ऊपर गया कुछ हाइट पर, कहाँ गिरेगा, सीधा यहीं गिरेगा, यानी कि अगर वो ना फटता, नहीं फटा, तो वो क्या पाथ फॉलो कर रहा है, लीनियर विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, और उसी रास्ते से वापस आ रहा है। अब इमेजिन करो वो ऊपर गया और फट गया, तो पीसेस ऐसे गिरेंगे और सारे ऐसे नीचे गिरेंगे, ऐसे पूरा हर तरफ, ताकि सेंटर ऑफ मास वही रास्ता फॉलो करे जो वो बिना फटे कर रहा था। तो बिना फटे वो ये कर रहा था, और फटने के बाद सेंटर ऑफ मास ऐसे गिरेगा, इसीलिए सारे पार्टिकल्स हर तरफ गिरते हैं, क्योंकि इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सेंटर ऑफ मास अपना रास्ता चेंज नहीं करेगा, ना अपनी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी चेंज करेगा। ये पॉइंट भी क्लियर है, एग्जांपल्स क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, सोच पा रहे हो ऐसे? यस सर। ठीक, अच्छा और एग्जांपल लेते हैं, एक हाथी और एक चींटी, सेंटर ऑफ मास कहां पर, दोनों का सेंटर पे, क्या मुकाबला है हाथी चींटी का सेंटर ऑफ मास का? नहीं, हाथी के पास, हाथी के ऊपर ही आ जाएगा, चींटी का क्या मुकाबला मास हाथी के सामने? तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे कैसे, जहां भारी मास है वहां पर। अब हाथी का मास तो इतना भारी है, इतना भारी है, चींटी के सामने कुछ भी नहीं है, तो क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ मास हाथी के ऊपर ही है, सिंपल है यार, और क्या बोलोगे। अब कोई मुकाबला हो तब तो कुछ दूर भी लेके जाऊं, मुकाबला ही नहीं है तो उसके ऊपर ही हो जाएगा, क्योंकि मास ऑफ चींटी इज नेग्लेक्टेड। सही है। अब इमेजिन करो सेम सिचुएशन किसमें, प्लैनेटरी मोशन में भी ऐसे ही है। पहले प्लैनेटरी मोशन का कॉन्सेप्ट सीख लो, ये ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा उसमें हम पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं कि अगर आपके पास दो मासेज हैं एम एंड एम, और अगर ग्रेविटी नहीं है, अर्थ की ग्रेविटी नहीं है, ऐसी ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, तो इनकी टक्कर होनी ही होनी है। तो न्यूटन का लॉ जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, इनकी टक्कर करवा देगी। रूल नंबर वन क्लियर। अब सपोज करो मैंने ये ग्रेविटेशनल स्पेस में अगेन रस्सी से बांध दिया, इन्हें दो एस्ट्रोनॉट्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, रस्सी से बांध दिए, तो आपस में कोलाइड होना ही होना है, मैं तो कह रहा हूँ ग्रेविटी फ्री स्पेस है, पर मैंने क्या किया, इसको वेलोसिटी दे दी टेंजेंशियल वी और इसको वेलोसिटी दे दी टेंजेंशियल वी। आप बोलोगे उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि इनके पास इस, ये इसका सेंटर है, दोनों का सेंटर सेंटर पे होगा क्योंकि दोनों के मासेस सेम है, तो इस मास ने इसे अट्रैक्ट करना है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर से, और इसने इसको अट्रैक्ट करना है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर से, तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, टुवर्ड्स सेंटर, और इसकी फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है, टुवर्ड्स सेंटर, ऊपर से मैंने वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी देने का मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर, तो दे विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल। तो एक तो इनको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल की तरह मिल गई, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ लग रही है इनकी, टुवर्ड्स सेंटर, और वही क्या प्रोवाइड कर रही है इन्हें, सेंट्रीपिटल। पर अगर मैं वेलोसिटी ना देता इनको वी, तो ये सीधा ऐसे टक्कर मारते, पर जैसी मैंने वी वेलोसिटी दी, तो हर वक्त ये फोर्स ग्रेविटी की कहाँ एक्ट करती है, टुवर्ड्स सेंटर, और वी वेलोसिटी से एम वी स्क्वायर बाय आर, दे स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कल। आपने यूट्यूब पे देखा होगा दो एस्ट्रोनॉट रस्सी बांध के गोल 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 घूमते भी हैं, देख लेना एस्ट्रोनॉट्स रस्सी बांध के रखते हैं ताकि ये कहीं उड़ ना जाए, और दूसरा कम से कम बांध के तो रखे उसे, और ऐसा भी होता है जरा सी वेलोसिटी लेते हैं वो, आप यूट्यूब पे देख लेना कई वीडियोस मिलेंगे आपको, एस्ट्रोनॉट गोल 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 रस्सी बांध के गोल 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 सर्कल में घूमते जाते हैं वो, इसीलिए एक बार वेलोसिटी वी जनरेट होगी तो ऐसा बिहेवियर हो जाएगा। अच्छा और बेटर एग्जांपल देता हूँ, इससे भी बढ़िया शायद ना समझ में आए ये वाला, कोई बात नहीं। बिग बैंग थ्योरी हुई होगी कभी, है ना, जो ये सन बना, अर्थ, मून, बहुत बड़ी कोई मासिव ऑब्जेक्ट होगा फट गया,
हर पार्टिकल टुकड़े हुए, हर कहता है कि हम तो चले। अब सबसे बड़ा कौन था? सन। सन कहता है ऐसे कैसे चले, क्योंकि मेरा मास तुम सबसे मास प्लैनेट से मास से बहुत ज़्यादा है। अब हुआ क्या, ये था सन, अर्थ कहती ठीक है मैं चली वेलोसिटी वी के साथ, टेंजेंशियली जाऊंगी मैं यहाँ से गैलेक्सी से बाहर। सन कह रहे ऐसे कैसे, मैं लगाऊंगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वेयर, मैं तेरे को खींचूंगा, हर वक्त खींच रहा है। अब सेम सिचुएशन, अब इमेजिन करो कि सन आप हो, ये रस्सी है और ये पत्थर है, तो सोचो पत्थर तो जा रहा है टेंजेंशियली, रस्सी के साथ जब आप पत्थर को घुमाते हो तो टेंजेंशियली जा रहा है, पर आप रस्सी के साथ हमेशा फोर्स कहाँ लगा रहे हो, टूवर्ड्स सेंटर, तो वो डायरेक्शन क्या करते जाते हैं, स्टोन चेंज। सेम सिचुएशन, सन कह रहा ऐसे कैसे चला, मैं तेरे को हर वक्त खींचता जाऊंगा, और वी वेलोसिटी तो बिग बैंग थ्योरी से उसको अर्थ को मिली हुई थी, तो आज तक फंसी हुई है और सन के चक्कर से बाहर नहीं निकली, और किस में घूम रही है, सन के आसपास घूमती जा रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? सारे प्लैनेट फंसे हुए हैं, सन को नहीं छोड़ सकते क्योंकि सन की ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़बरदस्त है, नहीं अगर ना, और जो छूट गए, जो सन और भी टुकड़े हुए होंगे, हो सकता है जो गए वो गए, जो ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर गए वो निकल गए, जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा थी सन नहीं पकड़ पाया, आज तक भाई ये सोलर सिस्टम बन गया हमारा। ठीक हो गया यहाँ तक। अब दूसरा, साथ में अर्थ तो फंसी फंसी, मून साथ में और फंस गया, मून भी जा रहा था छोटा टुकड़ा, मून कह रहा था मैं भी जा रहा हूँ यार आपके साथ ही ऐसे कुछ, तो सन कह रहा ऐसे कैसे चला, वो नहीं जा रही तो तू कैसे जाएगा, तो तू भी मेरे साथ सर्कल में घूमेगा, तो दोनों आज तक सन के आसपास सर्कल में घूम रहे हैं, ऐसा ही है। अब अर्थ कहती है मून को देख मेरा मास कैसे बड़ा, सन अर्थ को कहता है ये चीज़, अर्थ मून को कहती है, तो अब क्या होगा, मून इसके आसपास घूमता जा रहा है क्योंकि अर्थ मून को अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है। अब ये कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन में स्टडी करवाया जाता है, लेकिन ईजियर कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास से समझना। कैसे, ये सारी कहानी को सेंटर ऑफ मास से कैसे समझाया जाता है, ग्रेविटेशन में तो मैथमेटिकली समझाया जाता है, सेंटर ऑफ मास दो लाइन में समझाता है। सेंटर ऑफ मास ये कहता है कि अगर आपके पास कोई मास एम और एम मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, दोनों मासेस का सेंटर पे लाई करेगा, और अगर ये गोल घूम रहे हैं इसके आसपास, तो ये दोनों बॉडीज अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास घूम रही हैं, दोनों बॉडीज अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास घूम रही हैं। अगर मास इसका m1 है और दूसरी बॉडी का m2 है, मान लो m2 बड़ा m1 से, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं होगा कि यहां कहीं होगा, तो ऐसा नहीं कि सर्कल में घूम नहीं पाएंगे, अगर ये अब भी सर्कल में घूमते हैं तो ये इसको सेंटर मानता हुआ घूमता है और ये इसको सेंटर मानता हुआ घूमता है, तो दोनों का रेडियस क्या है, डिफरेंट होगा, सेम रेडियस नहीं होगा, दोनों का रेडियस डिफरेंट रहेगा। तो ये ऐसा नहीं घूम सकते जो मैं डायग्राम बनाया, रादर ऐसा घूम सकते हैं, इनको ऐसा घूमना पड़ेगा। ये देखो अगर मास एम वन है, अगर डिफरेंट मास है और ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये ऐसा चक्कर काटेगा अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास, और ये ऐसा चक्कर काटेगा सेंटर ऑफ, क्योंकि इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये, तो अलग अलग रेडियस में काटते जाएंगे। इमेजिन कर रहे हो इसे, तो कोई भी दो बॉडी जब घूमती हैं, तो रूल नंबर वन, वो अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास ही घूमती हैं, जहां भी उनका सेंटर ऑफ मास होगा। पहला पॉइंट क्लियर है। अब आ जाओ अर्थ और मून के ऊपर, तो ये रही अर्थ और ये रहा मून। मून का मास अर्थ के सामने कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा है, तो सेंटर ऑफ मास दोनों के सेंटर के ऊपर तो बिल्कुल भी लाए नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्यों करेगा, कहाँ लाए करेगा, अर्थ की तरफ। रादर अर्थ का मास इतना बड़ा है ऑलमोस्ट अर्थ के ऊपर, वही हाथी चींटी वाला एग्जांपल, तो अर्थ के ऊपर। अब रूल क्या था, दोनों को अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमना है, तो मून से पूछा गया तू सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमेगा, वो कहेगा घूमूंगा, तो मून ने घूमना शुरू किया, तो मून का सेंटर ऑफ मास कहां पर था, अर्थ के ऑलमोस्ट ऊपर था, तो मून ने अर्थ के चक्कर काटने शुरू कर दिए, क्योंकि रूल तो वही था, अपना सेंटर ऑफ मास ढूंढ रहा है वो, उसका सेंटर ऑफ मास अर्थ के ऊपर मिलेगा उसे, तो अर्थ के आसपास घूमता जा रहा है, और अर्थ की बारी, अर्थ से पूछा तू सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमेगी, अर्थ कहती मेरे को घूमना पड़ेगा, पर अर्थ कह रही है क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो मेरे ऊपर ही है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक्सिस पे घूमती हूँ,
तो सेंटर ऑफ मास अगर उसके ऊपर पड़ा हुआ है तो अर्थ कैसे घूम रही है, अपने एक्सिस पे घूम रही है, अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास, और मून भी सेंटर ऑफ मास के आसपास घूम रहा है, अर्थ के आसपास घूम रहा है। तो ये थ्योरी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है सेंटर ऑफ मास से इन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन किया गया। मैथमेटिकल ग्रेविटेशन में करेंगे, उसमें सेंटर ऑफ मास यूज़ नहीं करते, उसमें फोर्सेस प्रॉपर यूज़ करते हैं। पर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन क्लियर है कि कैसे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट चलता है इसमें। ठीक है, यहाँ तक ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये एग्जाम्पल सारे एग्जाम्पल हो गए।